दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल महीना का लेबर पेमेंट को लेकर कि मनरेगा मजदूरों का जो लेबर पेमेंट अप्रैल महीना में कब कब आया है, इसी टॉपिक में आज रिव्यू करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर जानें और समझे आज जाने कि मनरेगा पैसा अप्रैल महीना में कब कब आया है, जो अप्रैल महीना में एप्टू किया गया है इस एप्टू का सारा क्लियर करेंगे हम और जानेंगे किसी का पैसा तो रिजेक्ट नहीं हुआ है, किसी के अकाउंट में कब पैसा है, ये सारा चीज़ आज बताने वाला है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है, नरेगा लिखना है। नरेगा लिखने के बाद आपको सर्च करना है, इस तरह से आपका सामने पेज खुलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल करते हुए जो है कि आपको बता दें अभी जो है कि रिपोर्ट से भी आप अपना इस सारा चीज़ को देख सकते हैं। तो रिपोर्ट में हम क्लिक करते हैं या रिपोर्ट से भी पहले तो हम आपको बता रहे थे क्विक एक्सेस से, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक नया फंक्शन है रिपोर्ट से भी आप जो है कि इससे सारे रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे हम वहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ मांग रहा है कैप्चा कोड, तो आपका कैप्चा कोड यहाँ डालना है या देखना है 46 और 35, इसको माइनस करना है कितना होगा आपको यहाँ पर लिख देना है। तो फ्रेंड्स कितना हो रहा है आपको लिखते हैं। तो फ्रेंड्स हम कैप्चा फिल जैसे आप कीजिएगा वहाँ पर आपका सामने फाइनेंशियल ईयर यहाँ देखने को मिलेगा। तो हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 में देख रहे हैं कि अप्रैल महीना में कब एफटी हुआ और उसका पैसा आया है कि नहीं। उसका आप यहाँ पर स्टेट का नाम चूज करना है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स हम बिहार राज्य में हम यहाँ क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर सारा सिस्टम देखने को आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको जाना है एफटीओ स्टेटस रिपोर्ट में, आपको यहाँ क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स हम एफटीओ स्टेटस रिपोर्ट में क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम देखने को मिलेगा जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। चलिए हम एक डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करते हैं और समझ दे गया जो यहाँ पर जिला है उस जिला में हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि अप्रैल महीना में पैसा कब कब आया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको समझना है, यहाँ पर देखिए देखने को मिलेगा कि अप्रैल महीना में जो है 25 एफटीओ किया गया था उसमें से अब जो है कि एक एफटीओ पेंडिंग है और 25 एफटीओ तक का जो है कि क्लियर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो पेमेंट किया गया है 9 एफटीओ का अभी तक पैसा नहीं आया। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं यहाँ पर 9 एफटीओ कौन कौन से एफटीओ है। तो उससे पहले आपको यहाँ 25 एफटीओ में क्लिक करके समझना होगा कि जो है कि अप्रैल महीना में कब कब पैसा आया है। तो गाइस यहाँ अप्रैल महीने का पैसा जो है कि सिर्फ 2 बार देखने को मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पर देखिए अप्रैल महीने में 2-4 का एफटीओ किया गया था उसका जो पेमेंट अभी तक नहीं आया है। तो फिर भी हम यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं और समझते हैं कि कब कब एफटीओ महीने में पैसा आया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2 तारीख के एफटीओ का पैसा जो है आ गया है, यानी कि एफटीओ जो है यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 2-4 का एफटीओ का पैसा कब आया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने 16-4 का एफटीओ का पैसा आ चुका है, यानी 16-4-2024 को जो 2 तारीख के एफटीओ का पेमेंट था 16-4 को आया है। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट हम देखेंगे एक एफटीओ 3-4 का एफटीओ किया गया है इसका पैसा कब आया, तो इसका भी पैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ 3-4 का जो एफटीओ है 13-4 को पैसा आया है। तो फ्रेंड्स अगर आप बिहार राज्य से गया जिला से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 तारीख का 13-4 का पैसा आया और नेक्स्ट हम देखते हैं और एक 3-4 का एफटीओ किया गया था इसका भी पैसा आपका जो 13 तारीख को ही आया हुआ है। फिर नेक्स्ट एफटीओ यहाँ पर 4-4 का एफटीओ किया गया था इसका पैसा कब आया देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका ही पैसा 13-4 का पैसा आज आ गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 13-4 का पैसा आया हुआ है और फ्रेंड देखिए यहाँ पर कोर्स किस बैंक में आया वो भी देखने को आपको यहाँ मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर आईएफएससी कोड BRB यानी कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का देखने को मिल रहा है, लेकिन पैसा किस खाते में जा रहा है इसको भी आप समझना, बैंक ऑफ बड़ौदा में जा रहा है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यार एक बैंक ऑफ बड़ौदा देखने को नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा खाता है नावगढ़ में, लेकिन पैसा किस खाते में आ रहा है इसको भी आपको समझना है। बैंक ऑफ बड़ौदा जाइएगा आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ मध्य बिहार ग्रामीण बैंक यानी ग्रामीण बैंक में पैसा आपका खाता में खुल रहा है, पैसा आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये भी आप यहाँ पर समझ में आ जाएगा जो जिस बैंक में पैसा आ रहा है
उस बैंक को आपको यहाँ समझ लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर एक दिख रहा है पंजाब नेशनल बैंक दिख रहा है, तो पैसा किस खाते में जा रहा है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पंजाब नेशनल बैंक का खाता पैसा स्टेट बैंक में आ रहा है। तो भाई आप पंजाब नेशनल बैंक में जो है कि खोजते रहिएगा, लेकिन पैसा आपका किस खाते में आया है, स्टेट बैंक में आया है, तो ये भी आप समझ ले रहे हैं। उसे नेक्स्ट एफटीओ में देखते हैं, क्लिक करके 5 तारीख के एफटीओ में देखते हैं इसका पैसा कब आया। तो 5 तारीख के एफटीओ जो किया गया था, इसका पैसा 19/4 को पैसा आया है, 19/4 का पेमेंट आ चुका है। तो फ्रेंड ये सारा रिव्यू हम करने जा रहे हैं, देख रहे हैं आप इसको जोरों से समझिए, और कब कब पैसा, ये भी आपको देखिए लास्ट पैसा जो यहाँ पर दिख रहा है, 10/10 का एफटीओ किया गया था, इसका पैसा कब आया, 10 तारीख का जो एफटीओ किया हुआ पैसा 24/4/2024 को पैसा आया, ये लास्ट एफटीओ पेमेंट किया गया है, 24/4 को ही पैसा आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लास्ट पेमेंट जो है एक 18/4 के एफटीओ का पेमेंट आपका अभी तक पैसा नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि फिर 10/4 का जो एफटीओ किया गया था उसका पैसा कब आया, 24/4 का पेमेंट आया है। उसका लास्ट पेमेंट एफटीओ किया गया है 29/तारीख का किया गया है, आज 30 तारीख है, तो फ्रेंड इसका पैसा अभी तक नहीं, यानी कि 18/4 का जो एफटीओ किया हुआ पैसा नहीं आया है, और 10 तारीख का जो एफटीओ किया गया है उसका पैसा आ गया है। तो दोस्तों ये था मनरेगा पेमेंट के बारे में जानकारी आपको हम दिए, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।